everyone, welcome to my channel. Today I am making chicken afghani. तो इसके लिए हम ingredient देख लेते हैं. ये सबसे पहले ये half kg chicken है जिसको हमने इस shape में cut करके रख लिया है. ये वजह इसलिए होती है cut करने की कि सारे हमारे marination, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से पहुँच जाएँ, जज्ब हो जाएँ. और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सॉल्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट आप इस्तेमाल करें. ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये क्रस्ट काली मिर्च है यानी ब्लैक पेपर. अब सारे मसालों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे, और ये लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे. ये 1 लेमन जूस है. इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. और इसके बाद हम इसमें ये दही, ये 3 टेबल स्पून दही है, और इसमें हमने 20 से 25 काजू यानी कि कैशो ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है. अब इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है. अब इसके मिक्सर को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे. देखिए, दही, काजू और लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हम इसमें ये क्रीम डाल रहे हैं जिसको हम 3 टेबल स्पून यूज़ करेंगे. और इसके बाद फाइनल इंग्रेडिएंट हमारा ये कस्तूरी मेथी है. इसको हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है, और हम इसको क्रस्ट कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसमें ऐड करेंगे. ये 2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी है, और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से. ये देखिए, हमने इसमें अफगानी चिकन में अपने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक स्टील की कटोरी या ग्लास रखेंगे, और उसके बाद उस पर जलता हुआ चारकोल रखेंगे जिसको हमने पहले ही जला लिया था. और अब हम इसको उसमें ऐड करेंगे इस ग्लास में, और इस पर हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं और बटर डाल सकते हैं. हम यहाँ ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से डालेंगे, और धुआँ हमारा निकलना तुरंत जैसे ही शुरू हो जाएगा हम इस तरह से इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से ये साथ साथ मैरिनेट भी हो जाएगा हमारा चिकन, और स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा. ये देखिए, हमने मैरिनेशन हमारा तैयार हो गया है. इसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था. अब इसको हम इस बाउल को इसमें से निकाल लेंगे, और चिकन के पीसेस को यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ऑयल हीट कर लिया है पैन में, और हम पीसेस को उठा उठा के इसमें डालेंगे. और इस तरह से हम पूरे पीछे इसमें उठा के रख लेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे. ये देखिए, हमने सारे चिकन को उसमें अच्छे से रख दिया है, और इसको अब हम मीडियम फ्लेम पर बिना कवर किए ऐसे ही थोड़ी देर पकाएंगे. ये देखिए, अब हम इसको टर्न करेंगे. एक तरफ हमारा चिकन हो गया अच्छे से, और इस तरह से खुले बर्तन में पकाने से ये होता है कि हमारा
जो पानी इसमें से निकलते हैं चिकन से वो ख़त्म हो जाते हैं, और जब पानी आपका ख़त्म हो जाए तो आप इसको इस तरह से टर्न कर दें। ये देखिए हम दूसरी तरफ भी इसको पलट के पका लिया है, और ये हमारे जो बचे हुए मैरिनेशन था वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि चिकन में जो भी थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी पकने में वो भी हो जाएगी, और ये हमारा मैरिनेशन वेस्ट भी नहीं होगा। और इसको डाल के अब हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और अगर ज़रूरत होती है पानी की तो हम पानी ऐड करेंगे इसमें और ढक के इसको पकाएंगे। और अगर हमारा चिकन ऐसे ही गल जाता है तो फिर ये हम ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि ये ड्राई चिकन होता है, इसमें ग्रेवी नहीं लगती है, इसलिए इसमें हमें और एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए चिकन अफगानी हमारा तैयार है, और इसको हमने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, और इसको हम फाइनल टच देने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये मेल्टेड बटर हमने और क्रीम, ये हमने क्रीम और बटर से मिक्स करके इसको अब तैयार कर लिया है, गार्निश कर लिया है, और ये टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।